Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to Campus X. इस वीडियो में हम लोग अपना डीप लर्निंग playlist continue कंटिन्यू करेंगे हम लोग आर एन एन पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन एन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आर एन एन के अंदर बैक प्रपोगेशन कैसे काम करता है ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो so गाइज अभी तक तो हमने आर एन एन में क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज़ कर लेते हैं सो so, सबसे पहले हमने आर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो किया जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि आर क्या होता है उसके एप्लीकेशन क्या हैं क्यों आर एन एन डेटा के ऊपर यूज़ करना चाहिए थिंग्स लाइक दैट ठीक है उसके बाद जो सेकेंड वीडियो था वहाँ पे वी डिस्कस इन डिटेल द आर्किटेक्चर ऑफ सिंपल आर ठीक है उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो किया जहाँ पे हमने एक कोड रन किया केरास में सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए एंड देन वी डिड अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ आर ठीक है नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि आर में बैक प्रपोगेशन काम कैसे करता है ठीक है दिस इज द गोल ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आफ्टर आर आरएनएन एन अ न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क में लर्निंग होता है और लर्निंग बैक प्रपोगेशन के थ्रू होता है ठीक है अब एक चीज़ यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर में जो बैक प्रोपोगेशन होता है उसको बैक प्रपोगेशन थ्रू टाइम बोला जाता है ठीक है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है समझना तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस पूरे वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एल क्रिएट अ सेटअप एक डेटा पकड़ेंगे उसको एज एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे कि बैक प्रपोगेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है अब बैक प्रपोगेशन समझने के लिए हम लोग जो एग्ज़ाम्पल ले कर चलेंगे वो है मैनी टू वन आर एन एन का ठीक है वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है मैंने आपको पहले भी बता रखा है सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है सो सेंटिमेंट एनालिसिस इज़ अ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको इनपुट में एक टेक्स्ट दिया जाता है और आउटपुट में आप बताते हो कि उस टेक्स्ट का सेंटिमेंट क्या है वन का मतलब पॉजिटिव जीरो का मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट ठीक है तो पूरा सेटअप एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं बिकॉज़ आई फील कि अगर आपको सेटअप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आप अच्छे से समझ पाओगे कि बैक प्रपगेशन काम कैसे कर रहा है ठीक है तो हम लोग एक छोटा सा टॉय डेटा सेट लेते हैं मान लो हमारा जो टेक्स्ट है वो फिलहाल देर आर थ्री रिव्यूज़ बोल सकते हो आप या फिर कोई भी पीस ऑफ टेक्स बोल सकते हो और इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स ऑल ऑफ दोज सो मान लो हमारा पहला रिव्यू है कैट मैट एंड रैट हमारा दूसरा रिव्यू है रैट रैट एंड मैट और हमारा तीसरा रिव्यू है मैट मैट एंड कैट ठीक है ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है पहला रिव्यू पॉजिटिव सेंटीमेंट है दूसरा रिव्यू नेगेटिव पॉजिटिव सेंटिमेंट है और तीसरा रिव्यू नेगेटिव सेंटिमेंट है ठीक है अब मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है आपको अपने टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है सो so, आप क्या करते हो आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो कि आपकी वोकेबलरी में कितने यूनिक वर्ड्स हैं सो देर आर थ्री यूनिक वर्ड्स सो देर इज कैट देर इज़ मैट एंड देर इज़ रैट राइट तो आप किसी भी वर्ड को तीन नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे आप कैट को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो मैट को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो और रैट को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो गोइंग बाई दिस लॉजिक आपका ये डेटा सेट ट्रांसफॉर्म होके ऐसा दिखाई देगा सो so, जहाँ भी कैट है आप उसको वन ज़ीरो ज़ीरो में कन्वर्ट कर दो एंड यू कैन सी दिस इज़ द वैक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर डेटा सेट ये हमारा एक्स हो गया ये हमारा वाई हो गया इसको आप एक्स वन बुला सकते हो इसको आप एक्स टू बुला सकते हो इसको आप एक्स थ्री बुला सकते हो ऐसे अगर आपके पास और ज़्यादा रिव्यूज़ हुए तो वो एक्स एन तक जा सकता है ठीक है सो यू कैन सी दिस इज़ द फॉर्मैट ऑफ आर डेटा ठीक है अब हम क्या करेंगे हम एक आर एन एन ड्रॉ करेंगे एक आर एन एन आर्किटेक्चर ड्रॉ करेंगे और उस आर एन एन आर्किटेक्चर में हम इस डेटा को फीड कराएंगे सो so, थोड़ी देर के लिए लेट्स अज्यूम हमारा जो आर्किटेक्चर है उसमें देर इज वन हिडन लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री यूनिट्स इसके अंदर तीन सेल्स हैं और ऑब्वियसली जो इनपुट मिल रहा है वो थ्री डायमेंशनल है बिकॉज यू कैन सी एवरी वर्ड हेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग थ्री नंबर्स तो ये आपके कनेक्शंस हो जाएंगे राइट right? और फिर आपके आउटपुट में भी देर इज़ वन नोड बिकॉज ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और यहां से आपको आपका वाई हैट मिलेगा ठीक है दिस इज योर आउटपुट लेयर ऑल्सो सिंस इट इज़ अ रिकरेंट लेयर आप यहां से एक वेट वापस भेजते हो ठीक है इस वेट को आप बुलाते हो W इनपुट ठीक है इसका शेप होगा थ्री क्रॉस थ्री दिख रहा है ये जो वेट है ना ये होगा W हिडन और ये भी होगा थ्री क्रॉस थ्री बिकॉज मैंने आपको बताया है पुराने वीडियोस में कि सिंस यहाँ पे तीन नोट्स हैं ये तीन नोट्स हैं ये इनका आउटपुट निकल के खुद को भी जाएगा और बाकी दोनों को भी जाएगा लाइक like दिस फिर इससे भी निकल के इसको भी जाएगा खुद भी जाएगा इसको भी जाएगा इससे जाएगा इससे जाएगा और खुद भी जाएगा तो बेसिकली देर इज़ अ थ्री क्रॉस थ्री कनेक्शन हेयर ठीक है एंड देन देर इज दिस वेट विच इज़ डब्लू आउटपुट एंड दिस इज आई एम सॉरी देन देर इज दिस वेट दिस विल बी डब्लू आउटपुट और ये है आपका थ्री क्रॉस वन ठीक है तो बेसिकली आपके इस पूरे के पूरे में, आर एन एन में दीज आर पैरामीटर्स राइट बायसेस भी आप काउंट कर सकते हो जैसे यहाँ पे तीन बायस होंगे और इसमें एक बायस होगा बट फिलहाल हम सिंप्लीफाई करने के लिए बायस को इग्नोर कर रहे हैं अगर आप चाहो तो आप उसको लगा भी सकते हो बट फिलहाल हम इसको इग्नोर करके चल रहे हैं तो दिस इज़ द आर एन एन ठीक है अब होगा क्या हम लोग बैक प्रपोगेशन अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड प्रपोगेशन कैसे काम करेगा सो so, कैसे होगा कि हम लोग वन बाय वन एक रिव्यू को उठाएंगे और इस सिस्टम में भेजेंगे ठीक है और मैंने आपको बता रखा है कि आपके जो रिव्यूज़ हैं वो वर्ड बाय वर्ड इंसर्ट होंगे सो so, सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिव्यू का ये रिव्यू का हम बात करेंगे ठीक है अब इस रिव्यू में भी क्या होगा तीन स्टेप्स में काम होगा सो so, पहले स्टेप में आप पहले वर्ड को भेजोगे दूसरे स्टेप में दूसरे वर्ड को तीसरे स्टेप में तीसरे वर्ड को और फिर आपको आपका वाई हैट कैलकुलेट होके मिलेगा ठीक है सो so, बेसिकली क्या होगा सबसे पहले आप इसको पकड़ोगे ठीक है सो so, आप यहाँ पर भेजोगे वन यहां पर भेजोगे ज़ीरो यहां पर भेजोगे ज़ीरो और ये इस सिस्टम में घुसेगा और इस जगह पे इस जगह पे आपको ओ वन मिलेगा ठीक है अब आप वापस क्या करोगे अगले वर्ड को पकड़ोगे और फिर उसको भेजोगे फिर ये पूरा कैलकुलेट होगा और आपको ओ टू मिलेगा फिर आप तीसरे वर्ड को पकड़ोगे अंदर भेजोगे और यहां पे आपको ओ थ्री मिलेगा अब सिंस आपके कोई और वर्ड्स नहीं बचे तो अब आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे और फिर आपको फाइनली आपका वाई हैट मिलेगा दिस इज़ द फॉरवर्ड प्रपोजेसन सो बेसिकली आप अनफोल्ड कर रहे हो अपने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को इन टाइम ठीक है इसका मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको बना के दिखाया था कि अगर आप इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेल को एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करो तो इसी बॉक्स में आप सबसे पहले अपना फर्स्ट वर्ड भेज रहे हो एक्स वन वन अगर ये एक्स वन है तो इसका पहला वर्ड एक्स वन वन हो गया एक्स वन वन भेज रहे हो यहाँ से आपको ओ ज़ीरो मिल रहा है ओ ज़ीरो बेसिकली हुआ जीरोथ टाइम स्टेप दिस इज बेसिकली अ सेट ऑफ जीरोस बिकॉज इनिशियली आपको इनपुट चाहिए होता है यहां से आपको मिलेगा ओ वन जो आप वापस इसी लेयर में भेज रहे हो इसी लेयर में वापस भेज रहे हो विथ एक्स वन टू फिर कैलकुलेट हो रहा है ओ टू जिसको आप वापस उसी लेयर में भेज रहे हो फॉर द थर्ड वर्ड और अब इस स्टेप में कैलकुलेट हो रहा है ओ थ्री विच इज द फाइनल वर्ड का आउटपुट और फिर आप इसको भेज रहे हो टू दिस न्यूरोन और यहाँ से आपको मिल रहा है वाई हेट अब इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखो तो ये जो है ये है आपका डब्ल्यू आई डब्लू आई और ये जो है ये ये है आपका डब्ल्यू हिडन डब्ल्यू हिडन और ये जो है ये है बेसिकली आपका W आउटपुट ठीक है तो दिस इज द सीन अब अगर आप फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की इक्वेशंस लिखना चाहो तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की इक्वेशन ऐसी होगी कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे O1 O1 क्या है O1 है x वन वन का डॉट प्रोडक्ट विथ डब्लू आई प्लस ओ ज़ीरो का डॉट प्रोडक्ट विथ डब्ल्यू एच और इसको आप यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन में भेज रहे हो जो बाई डिफॉल्ट टेन एच होता है दिस इज़ ओ वन फिर आप क्या कर रहे हो आप ये ओ टू कैलकुलेट कर रहे हो और ओ टू क्या है ओ टू इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वन टू डब्ल्यू आई प्लस ओ वन डब्ल्यू एच इसका एफ यहाँ पे भी आपके पास एक एक्टिवेशन फंक्शन है देन यू विल कैलकुलेट ओ थ्री जो कि होगा x13 wi थ्री डब्ल्यू आई प्लस ओ और अब फाइनली जब आपको O3 मिल गया तो O3 को यूज करके यू वुड कैलकुलेट वाई हैट एंड वाई हैट विल बी इक्वल टू दिस इज अ डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन जनरली सिग्मोइड होगा ये बिकॉज बाइंड्री क्रॉस एंट्रोपी है सिग्मोइड ऑफ O3 डॉट प्रोडक्ट डब्लू नॉट ठीक है और फिर अब आप आपके पास आपका वाई हैट है आपके पास आपका वाई भी होगा तो वाई और वाई हैट को यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट योर लॉस और लॉस हो जाएगा माइनस वाई आई लॉग वाई आई हैट माइनस वन माइनस वाई आई लॉग ऑफ वन माइनस वाई आई हैट ठीक है ये आपका लॉस फंक्शन हो गया सो पूरा फ्लो क्या है आप यहाँ से घुसे x1 लेके, o0 लेके, ओ ज़ीरो ले के आपने x2 दिया ओ वन को मिला के ओ टू निकाला एक्स थ्री दिया ओ टू मिला के ओ थ्री निकाला और ओ थ्री से आपने वाई हैट निकाला जिसको यूज़ करके आपने अपना लॉस कैलकुलेट किया अब एक बार जब आपने अपना लॉस कैलकुलेट कर लिया तो अब आपको क्या करना है अपने लॉस को मिनिमाइज करना है और उसको मिनिमाइज़ करने का तरीका है ग्रेडियंट डिसेंट सो आपको बेसिकली क्या करना है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके सिस्टम में पैरामीटर्स क्या क्या हैं डब्लू आई मेट्रिक्स डब्लू एच मेट्रिक्स और डब्लू ओ मेट्रिक्स इन तीनों की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए एल मिनिमम हो जाए और आपको पता है इसके लिए आपको क्या करना है ग्रेडियंट डिसेंट लगाना है और ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन ये होगा लर्निंग रेट टाइम्स डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आई डब्ल्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एच माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डब्ल्यू एच एंड डब्ल्यू ओ वु बी इक्वल टू डब्ल्यू ओ माइनस लर्निंग रेट टाइम्स डेल एल वाई डेल डब्ल्यू ओ अब आपके पास इन सब का इनिशियल वैल्यू है आपके पास लर्निंग रेट का भी वैल्यू है तो बेसिकली अब आपका टास्क है ये तीन डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना अगर ये तीन डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट कर दिया तो फिर आप बैक प्रपोगेशन लगा सकते हो तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये तीनों डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं तो गाइस अब हम लोग सबसे पहले आ, हम ये तीन डेरीवेटिव निकालने हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले डेरिवेटिव से ये जो आउटपुट वाला मैट्रिक्स है ना ये वाला मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स है हम इसका डेरिवेटिव सबसे पहले निकालेंगे बिकॉज ये निकालना सबसे आसान है क्योंकि ये आउटपुट के पास है ठीक है तो मैंने आपको पहले भी बताया बैक प्रोपोगेशन कैलकुलेट करते टाइम या निकालते टाइम आप पीछे से आते हो आगे की तरफ ठीक है फॉरवर्ड प्रपोगेशन में आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो बैक प्रोपोगेशन में आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो ठीक है तो हमें निकालना है कि डब्लू नॉट देखो लेट्स मेक इट सिंपल अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपको ये निकालना है तो आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि W नॉट में चेंजेस करने पर लॉस में कितना चेंज होगा डेरिवेटिव यही तो बताता है राइट right? तो अब अगर आप पीछे से आगे की तरफ आओ तो आपको समझ में आएगा कि जो लॉस है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक चीज़ पे और वो है वाई हैट पे आपके प्रिडिक्शन के ऊपर क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है डेटा में है उसको आप बदल नहीं सकते तो वाई हैट पे डिपेंड कर रहा है अब जो वाई हैट है वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है अगर आप फॉरवर्ड प्रपोगेशन की इक्वेशन्स को देखो ये रहा आपका वाई हैट सो वाई हैट कैलकुलेट कर रहे हैं आप ंग टू क्वांटिटीज ओ थ्री यानि कि वो ओ थ्री पे डिपेंड कर रहा है एंड डब्लू नॉट पर डिपेंड कर रहा है ठीक है तो यू कैन सी डब्ल्यू नॉट में चेंजेस करने पर वाई हेट चेंज होगा और वाई हैट पर चेंज करने पर एल में चेंज होगा सो so आप एक्चुअली बहुत सिंपली ये लिख सकते हो चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसीेशन लगा के कि डेल एल बाय डेल वाई हैट एंड डेल वाई हैट बाय डेल डब्लू नॉट दिस इज द फॉर्मूला आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आपको क्या करना है बस आपको ये जो लॉस का इक्वेशन है इस लॉस के इक्वेशन से आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लोगे डेल एल बाय डेल वाई हैट ठीक है कई बार मैंने पास्ट में आपको करके दिखाया है और इस वाली इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर लोगे डेल वाई हैट बाय डेल डब्ल्यू नॉट ठीक है और उसको बस आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो वही हो जाएगा आपका डेल एल बाय डेल डब्ल्यू नॉट ठीक है ये पास में मैंने कई बार कर रखा है ए एन एन पढ़ाते टाइम तो आई होप आप इतना तो कर लोगे ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्ले लिस्ट में गो बैक जहाँ पर मैंने आपको बैक प्रोपगेशन पढ़ाया है ए एन एन के ऊपर एक बार आप वो वीडियोज़ देखो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है ठीक है अब यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं जब आपको ये निकालना है मान लो आपको ये निकालना है ये जो वेट है ना ये जो वेट है ये जो बेसिकली पूरा वेट का मैट्रिक्स है इसका डिफ्रेंसीशन निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम है क्यों एक बार समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से देखो अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आई निकालना है तो इसका मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि डब्ल्यू आई में चेंजेस करने पे एल पे कितना फर्क पड़ेगा राइट right? तो आपको फिर से उस तरीके से चेन बनाना है कि एल डिपेंड्स ऑन वाई हैट वाई हैट डिपेंड्स ऑन थ्री एंड डब्ल्यू नॉट ठीक है अब आपका ये जो ओथ्री है ये जो क्वान्टिटी है वो कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है वो चार चीज़ों पर डिपेंड कर रही है राइट right? डब्लू आई एम सॉरी ओ थ्री डिपेंड्स ऑन एक्स आई थ्री इसके ऊपर डब्लू आई ये जो वेट है ऑल्सो यहां पर मैंने कुछ गलत लिखा है ये ओ वन होगा और ये ओ टू होगा ओ टू पर भी डिपेंड कर रहा है राइट right. और लास्टली डब्लू एच पे डिपेंड कर रहा है इस वाले वेट पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो अगर आप देखो आप एक पाथ ट्रैक करो तो ये पाथ आपको पकड़ना है ये पाथ आपको पकड़ना है बट यहाँ पर ही एक डिफरेंस आ जाता है डिफरेंस क्या आता है कि आपका जो ओ थ्री है वो ओ टू पर डिपेंड कर रहा है अब अगर आप इस इक्वेशन को पकड़ो तो ओ खुद चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है किन चार चीजों पे ओ टू डिपेंड कर रहा है आपका एक्स आई टू पे डब्ल्यू आई पे फिर से ओ वन पे और डब्ल्यू एच पे अब अगर आप फिर से देखो तो ये जो O1 है ये जो O1 है ये भी चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करो किन चार चीजों पे देख लेते हैं एक बार x i1 w i o ओ जीरो एंड डब्ल्यू एच सो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो l और WI में तीन सेपरेट पाथ का रिलेशनशिप है एक तो जो मैंने ये ग्रीन वाले से ड्रॉ किया एक है फिर ये पाथ जो इस तरीके से जाएगा दिस इज़ द सेकेंड पाथ एंड देन देर इज़ अ थर्ड पाथ जो आई एम सॉरी अगर मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ इस डायग्राम से बट यू गेट द आइडिया देर आर थ्री पाथ्स ठीक है देर आर थ्री पाथ्स सो आपको क्या करना पड़ेगा आपको डिफ्रेंसीशन भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा सो so, डिफ्रेंसीशन क्या होगा सबसे पहले अगर आप निकालना चाहते हो डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आई सबसे पहले आपको ये ग्रीन पाथ निकालना पड़ेगा जो कि है डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट डिपेंड कर रहा है डेल ओ थ्री पे और ओ थ्री डिपेंड कर रहा है डब्लू आई पे ये हो गया अपना ग्रीन पाथ इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ ठीक है अब हम लोग फोकस करेंगे पिंक पाथ पे तो आप इसमें ऐड कर दोगे यू विल ऐड डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू एंड डेल ओ टू बाय डेल Wi आई ये हो गया हमारा पिंक पाथ अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ अब बस बचा ब्लू पाथ और इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू डेल ओ टू बाय डेल ओ वन और फाइनली डेल ओ वन बाय डेल डब्लू आई ये हुआ फॉर्मूला आपका डेल डब्ल्यू बाय डेल आई का अब सोचो यहाँ पे थ्री टर्म्स इसलिए हैं कि क्योंकि हमारा ये जो आर एन एन है ये जब अनफोल्ड हुआ टाइम में तो तीन बार हुआ थ्री टाइम्स और थ्री टाइम्स इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है उसमें देर आर थ्री वर्ड्स नाउ इमेजिन अगर आपके पास आपके डेटा सेट के हर रिव्यू में टेन वर्ड्स होते तो आपके पास यहाँ पे इस इक्वेशन में टेन टर्म्स होते राइट तो ऑब्वियसली इस तरीके से लिखना तो ये फिजिबल है ही नहीं ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको कुछ तो इसको समराइज करना पड़ेगा तो समराइज करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एल डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आई इज़ इक्वल टू सिगमा ऑफ जे इज इक्वल टू वन से लेके पी इज इक्वल टू थ्री तक मतलब क्योंकि तीन वर्ड्स हैं तो जे का वैल्यू वन टू और थ्री होगा और यहाँ पे आप लिखोगे डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ जे और डेल ओ जे बाय डेल डब्ल्यू इनपुट ये सही फॉर्म है अब आपके पास तीन वर्ड्स हैं अगर तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा अगर टेन वर्ड्स हैं तो यहाँ पे टेन आ जाएगा और मैं आपको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ सो मान लो आप जब फर्स्ट वाले के लिए लिख रहे हो जब टाइम स्टेप वन होगा तो इसको आप जब एक्सपैंड करोगे तो ये बन जाएगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हेट बाय डेल ओवन और डेल ओवन बाय डेल डब्ल्यू आई अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये चीज़ क्या है अगर आप इस चेन में पकड़ो तो आप पूछ रहे हो कि वाई और ओवन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये रहा वाई और ये रहा ओवन तो आपको वाई से ओवन पहुँचना है तो आप क्या करोगे अगर आपको ये निकालना है तो आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे वाई वन वाई हैट डिपेंड करता है ओ थ्री के ऊपर ओ थ्री डिपेंड करता है ओ टू के ऊपर और ओ टू डिपेंड करता है ओ वन के ऊपर सो बेसिकली आप इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख दोगे डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू डेल ओ टू बाय डेल ओ वन और फाइनली डेल ओ वन बाय डेल डब्ल्यू आई अब अगर आप ध्यान दो तो ये टर्म और ये टर्म जो आपका थर्ड टर्म था जब आपने ये निकाला था ये दोनों एग्जैक्टली exactly सेम है राइट right. अब सोचो अगर आप जे इजिकल टू टू के लिए एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा जे इजिकल टू टू के लिए डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ टू एंड डेल ओ टू बाय डेल डब्लू इनपुट अब फिर से देखो ये जो टर्म है आपका ये कौन सा टर्म है आप बोल रहे हो इसका और इसके बीच में क्या होगा तो फिर से आप क्या करोगे आप निकाल दोगे डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री और डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू राइट एंड आई गेस आप समझ पा रहे हो इसको एक्सपैंड करने पर यू वुड गेट डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ टू एम सॉरी डेल ओ थ्री डेल ओ थ्री बाय डेल ओ टू डेल ओ टू बाय डेल डब्ल्यू इनपुट अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये दोनों सेम है अब देखो इस वाले टर्म में जब आप जे इक्वल टू थ्री रखोगे तो ये बन जाएगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री और डेल ओ थ्री बाय डेल डब्लू इनपुट अब ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो एग्जैक्टली exactly सेम है तो बेसिकली मैं ये आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि आप बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से डेल एल बाय डेल डब्ल्यू आई को लिख सकते हो जे इज इक्वल टू वन से लेके एन वेयर एन इज इक्वल टू टाइम स्टेप्स ठीक है और यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ जे एंड डेल ओ जे बाय डेल ओ इनपुट ये रहा आपका फॉर्मूला फॉर द सेकेंड वन ये वाला भी हमने निकाल लिया ये वाला भी हमने निकाल लिया अब बस बचा ये वाला अब हम लास्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने जाएंगे विच इज दिस वन सो बेसिकली आपको एल का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डब्लू एच हिडन वाला वेट ये वाला वेट दिस वेट ठीक है ये जो जलेबी बनी हुई है सो आई गेस आपको फिर से समझ में आ रहा है कि देर इज़ सम कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व बिकॉज डब्ल्यू एच हर टाइम स्टेप में है राइट डब्ल्यू स्टेप हर टाइम स्टेप में है और uh, इसलिए अगर आप निकालना चाहो कि एल और डब्ल्यू एच में क्या रिलेशनशिप है तो यू वुड बी एबल टू फाइंड दिस Ki l depends on y hat y hat depends on two things that is o3 and in fact I select uh, y hat depends on w output and o3 o3 depends on four things so it depends on X i 3 w i o 2. And WH, okay? Now uh, this O2 depends on four things: it's X I2, I O one and WH. Now this 0 depends on four things: X I1. डब्ल्यू आई ओ नॉट एंड डब्ल्यू एच सो यू कैन सी देर इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप सो पहला ये है राइट right? फिर आपका दूसरा है ये ऊपर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये और फिर तीसरा है ओवन के रास्ते डब्लू एच तीन यहाँ पर भी है ठीक है तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ आई होप आपको समझ में तो आ ही जाएगा सो डेल एल बाय डेल डब्ल्यू हिडन हो जाएगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री एंड डेल ओ थ्री डिपेंड्स ऑन डेल डब्ल्यू एच ये हो गया फर्स्ट वाला ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ और फिलहाल अब हम लोग ये ब्लू वाले पे फोकस करेंगे सो ये है डेल एल बाय डेल वाई हैट यहाँ से यहाँ जा रहे हो डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री यहाँ जा रहे हो डेल ओ थ्री बाय यहाँ जा रहे हो डेल ओ टू डिपेंड्स ऑन डब्ल्यू एच ठीक है और अब आप लास्ट रास्ते पे जा रहे हो ये वाले की तरफ ये वाले की तरफ तो ये हो जाएगा डेल एल बाय डेल वाई हैट डेल वाई हैट बाय डेल ओ थ्री ओ थ्री बाय ओ टू ओ टू बाय ओ वन ओ टू से ओ वन और ओ वन से डेल डब्ल्यू एच सो so बेसिकली बिल्कुल पिछले बार की तरह ही आपने किया और इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो समथिंग लाइक दिस i इज इक्वल टू वन से लेके n एन वेर एन इज़ द टाइम स्टेप्स या फिर कितने वर्ड्स हैं आपके रिव्यू में डेल l बाय डेल y हैट डेल y हैट बाय डेल इसको j बोल देते हैं डेल o j एंड डेल o j बाय डेल डब्ल्यू एच दिस इज़ द फार्मूला गाइज दिस इज़ द फार्मूला ठीक है और इसी के साथ हमने ये तीनों के तीनों डेरीवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए ये तीनों के तीनों डेरीवेटिव्स अब अगर ये तीनों डेरीवेटिव कैलकुलेट हो गए तो हम ये ग्रेडियंट डिसेंट स्टेप अप्लाई कर सकते हैं सो बेसिकली एक बार मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ सो होगा क्या सबसे पहले आप कुछ इनिशियल वेट्स के साथ काम करोगे डब्ल्यू आई का कुछ इनिशियल वेट होगा डब्ल्यू एच का कुछ होगा डब्ल्यू ओ का कुछ होगा अब आप क्या करोगे अपने पहले रिव्यू को पकड़ोगे उसके पहले वर्ड को भेज के ओ वन कैलकुलेट करोगे दूसरे वेट को भेज के ओ टू कैलकुलेट करोगे तीसरे वेट को भेज के ओ थ्री कैलकुलेट करोगे और थर्ड वाले को यूज़ करके वाई हैट कैलकुलेट करोगे वाई हैट कैलकुलेट करके आपको मिलेगा लॉस अब इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करोगे विच इज़ बेसिकली ये तीन इक्वेशंस तो अब आप क्या करोगे एक लर्निंग रेट आपने डिसाइड कर रखा है ये निकालोगे ये निकालोगे ये निकालोगे और इन इक्वेशंस में जैसे ही आप डालोगे आपको इन तीनों का नया वैल्यू मिल जाएगा अब आप उस नए वैल्यू से सेकेंड वाले वर्ड का फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कैलकुलेट करोगे जिससे आपको वाई हैट मिलेगा और आपको लॉस मिलेगा फिर उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप ग्रेडियंट डिसेंट लगाओगे और ऐसा आप कॉन्स्टेंटली करते जाओगे और इवेंचुअली आप अपने मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाओगे अपने इन सारे पैरामीटर्स का ठीक है तो आई होप समझ में आया टू बी ऑनेस्ट हम लोग थर्ड टाइम बैक प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं बस यहाँ पर एक ही अलग चीज़ है कि आपको टाइम में अनफोल्ड करना होता है पूरे कॉन्सेप्ट को जिसकी वजह से ये नॉन लीनियर कंप्यूटेशन चार्ट बन जा रहा है राइट बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट ठीक है तो आई होप तो आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई सो दैट वॉज द वीडियो गाइज आई होप मैं आर एन एन के अंदर बैक प्रपोगेशन कैसे होता है ये मैं आपको समझा पाया और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉट इज द प्रॉब्लम विथ सिंपल आर एन एन और फिर हम लोग एल एस टी एम और जी आर यू आर्किटेक्चर्स uh, की तरफ मूव करेंगे ठीक है सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय